रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहासी को हमेशा से सजने संवरने का बहुत शौक था। वो कहीं भी जाती तो बन ठन कर जाया करती। एक दिन वो अपनी माँ के साथ पड़ोसन की बहू की मुँह दिखाई में जाती है, जहाँ से लौटने पर वो अपनी माँ से कहती है, माँ आंटी की बहू ने खुद को कितने अच्छे से सजाया था ना, उनके गहने साड़ी सब कितने खूबसूरत थे, लेकिन माँ मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई। अरे क्या समझ नहीं आया तुझे? यही कि सभी औरतें ऐसे क्यों कह रही थी कि आंटी की बहू को 16 श्रृंगार करना चाहिए था। श्रृंगार तो समझ में आता है, लेकिन 16 श्रृंगार का क्या मतलब होता है? क्योंकि बेटा 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है, जिससे पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है, उसके पति की लंबी उम्र होती है। पर आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो मांग भी बालों के बीच में छुपा कर भरती है कि कहीं कोई देख ना ले। किसी का तो पता नहीं, पर मैं अपनी शादी के बाद 16 श्रृंगार जरूर करूंगी। अच्छा जी, पहले शादी तो हो जाने दे, और 16 श्रृंगार सबके बस की बात नहीं है। वैसे भी आजकल की लड़कियां तो 7 श्रृंगार को आफत समझने लगी है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, मुझे तो वैसे ही सजने संवरने का बड़ा शौक है। चल चल, बहुत हो गई तेरी श्रृंगार की बातें, अब जरा एक कप चाय पिला दे। जी जी अभी लाती। इतना कहकर सुहासी रसोई की तरफ चली जाती है। समय बीतता है और उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में अभी नाम के लड़के से होती है। शादी के अगले दिन ही वो जल्दी उठकर नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार करके पहले रसोई की रस्म के लिए किचन में पहुंचती है, और उसकी पायल की आवाज से उसकी सास शारदा की नींद खुल जाती है और वो उठकर कहती है, ये कौन चुड़ैल है सुबह सुबह नाचने बैठी है? हाय भैया, कहीं ये मंदिर के घंटे की आवाज तो नहीं? क्या पता बहू पूजा तो नहीं कर रही, जाकर देखती हूँ। तभी वो बिस्तर से उठकर मंदिर में जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। उसी वक्त रसोई से छन छन करती हुई सुहासी सजी धजी खाना लेकर टेबल पर रख देती है, और उसे देखकर शारदा कहती है, अरे बहू कहाँ जाने के लिए तैयार होकर बैठी है? मैं कहाँ जाऊंगी सासू माँ? अरे इतनी सुबह बन ठन कर क्यों तैयार हो गई? हाय दया, तूने तो नाश्ता भी बना लिया। हाँ सासू माँ, वो पहली रसोई है ना आज, तो पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार हुई हूँ। माँ ने कहा था नई बहू का 16 श्रृंगार करना बड़ा शुभ होता है। तू तो समझदार के साथ साथ बड़ी संस्कारी निकली बहू। अच्छा मैं नहा कर आती हूँ, तू जब तक अभय को जगा दे, फिर तीनों साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। जी सासू माँ। शारदा अपने कमरे में चली जाती है तो सुहासी भी अपने कामों में लग जाती है। समय बीतता है और सुहासी ससुराल की सब जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, साथ ही वो हमेशा 16 श्रृंगार करके ही रहा करती। एक शाम जब वो मेकअप कर रही होती है, तभी शारदा उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में आती है। बहू, अरे ओ बहू, मैं कह रही थी कि अरे तू तो यहाँ आईने में खुद को निहार रही है। मैंने तुझे कहा था ना बाजार चली जाइयो, घर में सब्जियाँ नहीं है। हाँ सासू माँ, वहीं जाने के लिए तो रेडी हुई हूँ, बस ये चूड़ियाँ पहन लो। बहू बाजार जाना है सब्जी लेने, किसी की बारात में नहीं, इतना क्या तैयार हो रही है? थोड़े हल्के जेवर डाल ले, क्या हमेशा लदी हुई रहती है? सासू माँ आपको पता है ना, मैं 16 श्रृंगार करके ही कहीं आती जाती हूँ, और फिर 7 श्रृंगार करना तो सुहागन का गहना होता है। हाँ हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अभी हर जगह ऐसे कमरबंद नथनी और ये सब पहन कर जाना ठीक नहीं है, कोई खास मौका हो तो समझ भी आता है। अब सासू माँ मैं 16 श्रृंगार करने के लिए किसी खास मौके का इंतजार थोड़ी करूँगी। अच्छा बाजार जाती हूँ, वरना खाना बनाने में देरी हो जाएगी। अरे पर सुहासी अपनी सास की बात को अनदेखा करके वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है, और रात को सबके खाने के बाद वह किचन का सारा काम करके इतनी थक जाती है कि अपने गहने बिना उतारे ही बेड पर सो जाती है। आधी रात को गहरी नींद में होने की वजह से उसका पैर अभय के पैर से टच हो जाता है, और उसकी पायल से अभय के पैर पर खरोच आ जाती है, और वो चिल्ला कर उठता है। आ क्या चुप गया यार, बेड पर कंकड़ वंकड़ बिछाए हैं क्या? ये तो इस महारानी की पायल ही है। सुहासी सुहासी, क्या हुआ, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हारी पायल ने मेरा पैर छील दिया, रात को ये सब पहनकर कौन सोता है?
बताओ, कर दिया ना मुझे आधी रात में घायल। क्या मेरी पायल? अरे पायल से कौन घायल हो जाता है, सो जाओ चुपचाप, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तो ये सब पहन कर क्यों सोती हो? अरे कोई चोरी करके ले जाएगा क्या? ऐसे में पता नहीं नींद कैसे आती है इसे। अभी कहता रहता है लेकिन सुहासी नींद में होने के कारण कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह वो बढ़िया सी साड़ी पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करती है और खुद को शीशे में देखते हुए घूमती है, तो उसकी चूड़ी की आवाज से अभय की नींद खुल जाती है और वो कहता है, यार सुहासी तुम्हारी दिक्कत क्या है, चैन से जीने दोगी कि नहीं? रात को तुम्हारी पायल ने सोने नहीं दिया, अब अपनी चूड़ियों के शोर से मेरी नींद खराब कर रही हो तुम। अब कांच की चूड़ियां हैं तो बजेंगी ना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं जाती हूँ। तभी वो आवाज करती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और अभय परेशान होकर जमीन पर तकिया फेंक देता है। अपने पति और सास के बार बार समझाने पर भी वो हमेशा 16 श्रृंगार करना नहीं छोड़ती। एक शाम उसकी पड़ोसन सरिता प्रसाद देने उसके घर आती है। शारदा कहाँ है? आंटी जी सासूमा छत पर है, आप बैठिए मैं बुलाती हूँ। अरे रहने दे बहू, मैं तो बस ये सत्संग का प्रसाद देने आई थी। अरे सरिता बहन तुम यहाँ, बड़े दिनों बाद आई। ले तुझे ही तो आवाज़ दे रही थी मैं, अच्छा हुआ तू आ गई। बहू जा सरिता बहन के लिए चाय नाश्ता ले आ। ले बहू ये प्रसाद भी लेती जा। इतना कहकर सरिता उसे प्रसाद पकड़ा देती है और सुहासी रसोई में चली जाती है। तभी सरिता कहती है, क्या बात है शारदा, तेरी बहू तो पूरा साज सिंगार करके रहती है, जब आओ नई नवेली दुल्हन सी सजी धजी मिलती है। अरे सरिता बहन शादी को इतना समय हो गया तब भी इसका 16 श्रृंगार नहीं छूट रहा, कितना कहती हूँ घर पर तो ये तामझाम मत किया कर, पर ये सुने तब ना। हाँ तो ढंग से समझाना, घर में तो कम से कम सिंदूर और मंगलसूत्र ही काफी है, ऐसे तो कहीं बाहर जाएगी तो लोगों की नजर इसी पर टिकी रहेगी। अब क्या करूँ, बहू ही ऐसी 16 श्रृंगार वाली मिली है मुझे। कुछ देर बातें करने के बाद सरिता वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, एक दिन अभय अपनी माँ से कहता है, माँ कंपनी को नया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में बॉस ने पार्टी रखी है, तो आप भी मेरे साथ चलना। और मैं? तुम तो कृपा करके मत ही जाना, क्योंकि पार्टी में जाना है, शादी या गोद भराई के फंक्शन में नहीं, जहां तुम अपना ये 16 श्रृंगार करके जाओ। क्या बोल रहा है तू अभय? सही तो कह रहा हूँ माँ, इसे कहीं भी जाना होता है तो अपने 16 श्रृंगार करने बैठ जाती है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी माहौल के हिसाब से भी तो तैयार होना चाहिए ना। हाँ बहू इन गहनों में तुझे भी तो काम करने में दिक्कत होती होगी ना, माना तुझे सजना धजना पसंद है लेकिन 16 श्रृंगार खास मौकों और अवसर पर ही जचता है। सुहासी उस समय कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए शारदा और अभय निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सिंपल सी साड़ी पहने, सिर्फ गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाए बिना गहनों से लदी सुहासी आती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और सुहासी कहती है, क्या अब मैं पार्टी में चल सकती हूँ? मैं समझ गई हूँ सासू माँ कि 16 श्रृंगार बस पति के लिए करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब मेरे 16 श्रृंगार से मेरा पति खुश नहीं है तो फिर क्या फायदा, इसीलिए जब वो चाहेंगे तब तीज त्योहार पर ही 16 श्रृंगार किया करूँगी। चलो कम से कम अब अकल तो आ गई मेरी 16 श्रृंगार वाली बहू को। तभी तीनों पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जो घर का सारा काम अच्छे से संभाल लिया करती थी। मुस्कान के चेहरे पर बहुत सारे अनचाहे दिल थे, जिस वजह से बाकी दूसरों के अकॉर्डिंग उसे अपना चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते वो जब भी कभी बाहर जाती तो अपने फेस को स्टॉल से कवर कर लिया करती। उसके परिवार में उसकी मम्मी सरिता और पापा राम प्रकाश रहते थे। ऐसे ही एक बार उसकी मम्मी रसोई में काम करते वक्त अचानक बेहोश हो जाती है। मुस्कान और राम प्रकाश सरिता को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं। भाग्यवान आंखें खोलो, क्या हुआ? मुस्कान बेटा तू अपनी माँ के साथ रह, मैं डॉक्टर का कॉल करता हूँ। नहीं पापा आप यहाँ रुकिए मम्मी के साथ, मैं अभी कॉल करती हूँ डॉक्टर को। मुस्कान जल्दी से मदद के लिए डॉक्टर को फोन करती है पर उनका फोन नहीं लगता, जिसके बाद वो अपना पूरा चेहरा कवर करती है और खुद ही क्लिनिक से उन्हें बुलाने के लिए जल्दी से अपने घर से निकल जाती है।
वो भागी भागी जा ही रही होती है कि रास्ते में एक लड़का उसे छेड़ते हुए बोलता है, अरे यो हुस्न परी, ये मुंह छिपा कर कहां जा रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो मेरी रानी? तेरी कातिल जवानी, आजा मेरी बाहों में, उठाकर छोड़ आऊं। कहां जाना है जरा बोल तो सही। मुस्कान को उस आवारा लड़के की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस बदतमीज लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जवाब चाहिए था ना तुमको, वो तो अब मिल गया, या और दू जवाब तुम्हें कान के नीचे लगा के? वो लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मुस्कान डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचती है और उन्हें जल्दी से अपने साथ लेकर घर जाती है। डॉक्टर साहब जल्दी से चेक कीजिए ना, मेरी पत्नी को क्या हुआ? चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, शायद इन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया, इसी वजह से ये बेहोश हो गई। आप डरिए मत, शी इज फाइन। ये कुछ ताकत की दवाइयां हैं, इन्हें खिला देना। ऐसे ही एक दिन मुस्कान मार्केट से फ्रूट्स लेने जाती है। वो फ्रूट्स ले ही रही होती है कि युवराज नाम के एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उसकी बाहों में गिर जाती है, जिस वजह से उसका स्टॉल उसके चेहरे पर से नीचे गिर जाता है और वो लड़का मुस्कान को देखकर बहक जाता है। मुस्कान जल्दी से उसके पास से हटती है और अपना स्टॉल उठाकर फिर से अपना चेहरा ढक लेती है। हे, एक्सक्यूज मी, आपको लगी तो नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। आपने फिर से कवर क्यों कर लिया फेस को? इतने खूबसूरत चेहरे को इस कपड़े से क्यों ढका है भला? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है आपका? अरे मेरा मतलब, आप इतनी सुंदर लग रही हो तो ये स्टॉल रहने दीजिए ना। थैंक्स, बट मेरे फेस पे बहुत सारे तिल हैं, इसीलिए हमेशा से मैं ऐसी ही रहती हूँ। ओह रियली? लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगी, आप बहुत सुंदर लगती हो तिल के साथ। रहने दीजिए, कहीं आपकी तारीफ की वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर ना समझने लग जाऊं। अच्छा जी, बाय द वे, हम यहाँ बात ना करके कॉफी शॉप चलें? ओके ओके, चलते हैं। आप दोनों कॉफी शॉप जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अपना अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो दोनों रोज अब मैसेजेस में घंटों बातें किया करते। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और युवराज उसे प्रपोज करने के लिए लॉन्च में बुलाता है, साथ ही अपने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। आई लव यू मुस्कान, थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। हाँ, आई लव यू टू युवराज। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बता देते हैं और दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करके इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद मुस्कान और युवराज शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और एक अच्छी और गुणी बहू की तरह मुस्कान अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से उठाती है। इसे देखकर उसकी सास अर्चना उससे बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, मेरे लिए कुछ खाने में चटपटा बना कर ले आ, मेरा बहुत मन कर रहा है। जी माँ जी, अभी लाई। मुस्कान रसोई में जाकर जल्दी से अपनी सास के लिए गरम गरम समोसे और हरी चटनी बनाती है और गर्मा गर्म अपनी सास के सामने सर्व कर देती है। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी जल्दी ये सब कुछ बनाकर ले आई और बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं, मजा ही आ गया, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना की दो सहेलियां कविता और रीना उससे मिलने अचानक ही बिना बताए उनके घर आ जाती है और उन्हें देखकर वो कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ, वो भी बिना बताए, कैसे? क्यों, हम को नहीं आ सकते के? सारी आन तू बिन बताए आया करे है, इस बारी हम भी आ गए। अजीब, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अरे ओ कविता, ये बिल्कुल नहीं बदली, 10 सालों से अभी तक ऐसी ही है। अरे अर्चना,
या है के तेरी बहू जिसके चेहरे पे काजल जी से इतनी सारी बिंदी लाग रही है। हाय राम, तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे बस बहुत हुआ, मेरी बहू के बारे में एक शब्द बोला ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, देख लेना तुम दोनों। अर्चना की सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर वो रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे मेरी बहू हीरा है हीरा, एक टांग पर पूरे घर का काम करती है, जो बोलू तुरंत हो जाता है, मेरे पांव दबाती है, मेरे घर को अच्छे से संभालती है, बस उसके मुंह पर 3-4 भगवान ने तिल क्या दे दिए तो उसे बुरा बोलेगी क्या। अब तुम दोनों सराफत से मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें धक्के देकर निकालना पड़ेगा, समझी। इतना सुनकर वो दोनों गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अर्चना अपनी बहू के पास जाकर उसे समझाती है, अरे मेरी लाडली बहू, मेरी उन नालायक सहेलियों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, बस तू रोना बंद कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आपने थोड़ी ना कुछ कहा है, मुझे मेरे चेहरे पे भगवान ने इतने सारे तिल दिए हैं, जो कि वो भी देखते हैं, और सब लोग तिल ही तो देखते हैं, मेरे गुण कोई नहीं देखता। मुझे पता है कि मेरी बहू कितनी काबिल है, कितनी संस्कारी, कितनी गुणी है, और तू बहुत ही खूबसूरत है, और मैं बहुत भाग्यशाली जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है, और अब तू कभी भी नहीं रोएगी, समझ गई ना। जी ठीक है, आप जैसा कहो। अर्चना की बातें सुनकर मुस्कान को ये समझ आ जाता है कि कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। अब मुस्कान खुलकर अपने आप को स्वीकार करती है और सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अनचाहे तिल्लों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके चेहरे पर इतने सारे तिल हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।